अगर आप अपनी ऑनलाइन करियर को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये मालूम नहीं है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर लें और कहाँ से आप अपने आप को इस काबिल बना सकते हैं जहाँ पर आप अर्निंग कर सके, वो भी ऑनलाइन इंटरनेट के थ्रू, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ जमशेद रज़ा, फ्रीलांसर ट्यूटोरियल की जानिब से। और कहीं मैं बिज़ी था, इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज मैं दोबारा अपने कंप्लीट सेटअप पे पहुंच गया हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना सकता हूँ। और इंशाल्लाह आगे मैं इसी तरह वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा जहाँ पर आपको ऑनलाइन अर्निंग के लिए या ऑनलाइन काम करने के लिए आपको मदद मिल सकती है। अगर अभी तक आपने जमशेद अकेडमी डॉट कॉम को विज़िट नहीं किया है जहाँ पर हमारे पास कंप्लीट फ्रीलांसिंग ट्यूटोरियल मौजूद है, या आप अपने मोबाइल ऐप में भी जमशेद अकेडमी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ पर आप आसानी के साथ फ्रीलांसिंग को सीख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग कहने जा रहा हूँ अपने उन सारे फ्रीलांसर के लिए जो स्टार्ट करने जा रहे हैं लेकिन उसको ये मुश्किल सामना करना पड़ रहा है जहाँ पर वो नहीं जानते हैं कहाँ से स्टार्ट कर लें। तो मेरे पास बहुत ऐसे सवालात आ रहे थे कि क्या हम डेटा एंट्री से काम स्टार्ट कर सकते हैं, या डेटा एंट्री से हमें प्रोजेक्ट मिली है जहाँ से हम काम करना चाहते हैं। तो इस प्रोजेक्ट को अगर मैं देखूं या डेटा एंट्री को देखूं तो इससे बेहतर ये होगा कि आप कुछ महीने अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लें, या एक महीने के लिए आप कोई ऐसा स्किल सीख लें जहाँ पर आपको आगे बढ़ने में आसानी मिल सके और आप अपनी किचन जो है अर्निंग वो भी कर सकें। मेरा मतलब ये है कि या मैंने अपनी एक्सपीरियंस के मुताबिक जहाँ पर मैंने 7 साल 8 साल इस प्लेटफॉर्म पे मैंने काम किया हुआ है, तो जहाँ तक मुझे आपके लिए बहुत ही आसान जो स्किल समझ में आ रहा है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही है जहाँ पर आप आसानी के साथ एक महीने में आप सीख सकते हैं। लोगो डिज़ाइनिंग या बैनर डिज़ाइनिंग या फोटो रिटचिंग है या के बैकग्राउंड रिमूविंग है, बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं मेरे इस चैनल पे भी इन सारी वीडियोस या इन सारी स्किल की वीडियोस मैंने पहले से बनाया हुआ है, अगर फिर भी आपको कोई मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है तो आप यूट्यूब में ही सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू लर्न फोटोशॉप, हाउ टू लर्न एडोब इलस्ट्रेटर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जहाँ पर आप आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं। और ये स्किल आसान तो है, इसी वजह से बहुत सारे हमारे जो फ्रीलांसर है इस स्किल को सीखने के लिए आते हैं और मार्केट में ऐसे बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर मौजूद है जो पहले से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख कर आ चुके हैं और वो मार्केट में काम कर रहे हैं। लिहाजा इस पॉइंट को भी आपने अपने जहन में रखना है कि ये स्किल इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा आपके लिए, मतलब क्योंकि आसान है, हर कोई इसको सीखने की कोशिश करेगा और सीखने के बाद वो मार्केट में आएगा और अपनी जो क्रिएटिविटी है वो उसको जाहिर करने की कोशिश करेगा। तो इस वजह से अगर आप ये एक बात आप अपने जहन में रख लें कि जितनी भी आप अपने ऊपर काम करेंगे यानी कि आप टाइम देंगे अपने आप के ऊपर, तो इतनी ही आपकी अर्निंग, आपकी स्किल ज़्यादा हो सकती है। यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट के बारे में भी बात कर सकते हैं, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के, या मशीन लर्निंग, ऐसी सारी स्किल्स मौजूद है जिसके लिए आप एक महीने में तो अर्निंग नहीं कर सकते। अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर देखा जाए, यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम मौजूद है तो आप इसको सीख सकते हैं तकरीबन 6 महीने 8 महीने 1 साल के अंदर, और उसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी कर सकते हैं और इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा कम ही होगा। तो अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, आप एक्सप्लोर कीजिएगा। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हमारे पास मौजूद है, freelancer.com है, फाइबर है, अपवर्क है, क्राउड है,
या 99 डिज़ाइन है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है। आप एक्सपेरिमेंट करते जाएगा और अपनी स्किल को भी इम्प्रूव कीजिएगा तो आपको इंशाल्लाह प्रोजेक्ट ज़रूर मिलेगा और आप अपनी अर्निंग को ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपके लिए मालूमात होगा और ये मालूमात आपकी फ्यूचर के लिए बेहतर, आपकी कामयाबी के लिए एक मुफीद पॉइंट के तौर पर भी साबित हो सकता है। तो अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ जमशेद रज़ा, अल्लाह हाफिज़।